चलो अभी हम देखते हैं थर्ड टूल। फर्स्ट टूल वॉज द इम्पोर्ट टूल, सेकेंड कट टूल, एंड थर्ड टूल क्या था? क्रॉप टूल। क्रॉप टूल हम क्यों यूज करते हैं? जनरली हम बहुत तो यूज करने में नहीं आएगा, पर यूज आएगा। कब यूज आएगा? सपोज आपको कोई पोर्सन, पर्टिकुलर पोर्सन ही दिखाना है बच्चे को, तो हम कैसे जूम करें उस पार्ट को, तो अभी हम वो देखेंगे। ओके अभी आप देख सकते हो प्रीव्यू पैनल में आपको ऊपर और नीचे दो ब्लैक लाइंस दिख रही है। ओके स्ट्रिप दिख रही है, मुझे वो दो स्ट्रिप्स नहीं दिखानी है, क्रॉप कर देने की है। ओके तो आप कैसे करेंगे? सिंपल, इस वीडियो पर मैंने पहले क्लिक किया, जैसे आप राइट क्लिक करते हो तो ऊपर आपको क्रॉप एंड जूम का ऑप्शन दिखाई देगा। फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको क्रॉप करना है। ओके इस वीडियो पर मैं क्लिक करता हूं और राइट क्लिक, जैसे आप क्लिक करते हो तो ऊपर आपको ऑप्शन आएंगे क्रॉप एंड जूम। ओके वो ऑप्शन पर क्लिक करिए, आपके सामने एक और विंडो ओपन होगी जिसमें आपको वो उधर ऑप्शन मिलेंगे कि आपको कितना क्रॉप करना है। ओके तो मैं क्रॉप अभी उतना करूंगा जिससे ये दोनों जो ब्लैक स्ट्रिप है वो नहीं आएंगी। ओके तो मैं ऊपर से और नीचे से क्रॉप कर रहा हूँ, और ये जो है अपना हीरो उसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ और वही मुझे दिखाई देना चाहिए पूरी स्क्रीन में। ओके मैंने क्रॉप अभी परफेक्ट कर लिया, बाद में एक ऑप्शन आएगा ओके का, ओके पर जैसे क्लिक करते हो तो अभी आप देख सकते हो प्रीव्यू पैनल पे जो ब्लैक स्ट्रिप थी वो रिमूव हो गई है और सामने अभी सिर्फ हीरो ही दिखाई दे रहा है। ओके तो ये हमने देखा क्रॉप टूल, बहुत ईजी था, कैसे किया, वीडियो पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ओके क्रॉप एंड जूम पे गए, जैसे ही उस पर क्लिक किया तो और टूल बार हमको दिखाई दिया, उसमें हमको जितना पोर्शन क्रॉप करना है उतना हम पोर्शन क्रॉप करेंगे, और जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे तो जितना हमें क्रॉप किया था उतना ही हमको इधर दिखाई देने मिलेगा। ओके सो हमने इधर वापस से एक और नया टूल देख लिया है, क्रॉप टूल।